हे गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन। मैं हूं A2 और आप लोग का स्वागत है एक और अमेजिंग वीडियो में। वेल, मुझे पता है आप लोग बोलोगे कि इतने टाइम से मैं कहां बिजी था, बट मैं अब फाइनली YouTube पर वापस आ चुका हूं एंड इस बार हम लोग 100K करके ही रहेंगे। वेल, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या एश कैचम पोकेमोन में वापस आ सकता है या नहीं, एंड हिंट्स देखेंगे एंड क्या चीज़ें देखेंगे कि जिनके रीजंस की वजह से एश कैचम हम लोग को फिर से पोकेमोन में देखने मिल सकता है एज अ मेन हीरो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। रीजन नंबर वन, सबसे पहला रीजन ये है कि एश कैचम अभी तक पोकेमोन मास्टर नहीं बना है। जो सीरीज आई थी पोकेमोन की एम टू बी ए पोकेमोन मास्टर, उसमें भी लास्ट में ऐसा लिख के बताया गया था कि नेक्स्ट टाइम अ न्यू बिगिनिंग, मतलब नेक्स्ट टाइम हम लोग को एक नई शुरुआत देखने मिलेगी। और ऐसा हर सीजन में जब एश जाता है तब हम लोग को दिखाया जाता है एंड उसके बाद एश वापस भी आता है। पोकेमोन वाले ये ऐसे तो डालेंगे ही नहीं, है ना, तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, रीजन होगा जिसकी वजह से ये डाला गया है एंड एश कैचम वापस आएगा। और हाँ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, एश कैचम अभी तक पोकेमोन मास्टर बना नहीं है। जब तक वो पोकेमोन मास्टर नहीं बन जाता, हम लोग उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे और ना ही पोकेमोन वाले छोड़ने वाले हैं, क्योंकि उसका ड्रीम है पोकेमोन मास्टर बनना एंड उसने कहा है कि जब तक वो पोकेमोन मास्टर बन नहीं जाता तब तक वो हार नहीं मानेगा एंड उसके बाद भी उसकी जर्नी खत्म नहीं होगी। सो यप, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जो कि नहीं हुई है एंड हम लोग को अच्छे से उसका फेयरवेल तक नहीं दिया गया यार। मतलब ऐसे एश को मिस्टी और ब्रॉक के साथ अलविदा कैसे ऐसे कर सकते हैं? उसको प्रॉपर पोकेमोन मास्टर बनाना चाहिए था ना, लेकिन उसको पोकेमोन मास्टर इसीलिए नहीं बनाया गया क्योंकि उसका रिटर्न फ्यूचर में हो सकता है, पोकेमोन वालों को ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि पोकेमोन वाले की नई सीरीज ज़रूरी नहीं है कि चली ही जाए, क्योंकि उसमें एश कैचम नहीं है तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। उसके ऊपर भी रिव्यू आने वाला है जल्दी। तो एश कैचम जब तक नहीं है, पोकेमोन वाले कमा ही नहीं सकते, क्योंकि एश कैचम मेन प्रोटैगनिस्ट है पूरे एनिमे सीरीज का। तो उसको मास्टर इसीलिए नहीं बनाया गया क्योंकि फ्यूचर में उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि वो लोग फिर से अगर पोकेमोन डूब रहा हो तो उस डूबते जहाज को बचा लें। सेकेंड रीजन है पॉपुलैरिटी। एश कैचम की पॉपुलैरिटी इतनी है क्योंकि वो एनिमे का मेन हीरो है यार। पोकेमोन का एनिमे जब शुरू हुआ था, तो जब कोई चीज़ शुरू होती है तो हम लोग स्टार्टिंग से जब उसको देखते हैं तो हम लोग के लिए वही एक हीरो होता है। तो ऐसा एश कैचम है हमारे लिए एंड 20-22 साल अगर किसी के साथ हम लोग जुड़े हुए हों, हम लोग तो नहीं, मतलब जो पूरे पोकेमोन फैंस वर्ल्ड वाइड है, तो मतलब एक कनेक्शन बन जाता है एंड उस कनेक्शन को अचानक से हटा दो बिना उसको मास्टर बनाया या किसी चीज़ के लिए, तो वो सही नहीं लगता है। तो उसकी पॉपुलैरिटी इतनी है क्योंकि एश की पॉपुलैरिटी इतनी है कि पोकेमोन को वो बहुत ज़्यादा TRP दिला सकती है एंड अभी भी ऐसी स्टोरी लाइन्स मौजूद हैं, बची हैं, जो कि एश ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है एंड बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी हैं, मिस्ट्री है। तो जब तक ये सब पूरा नहीं हो जाता, एश तो कहीं नहीं जाने वाला। लास्ट और सबसे तगड़ा रीजन है, पोकेमोन की जो नई सीरीज है इजंट डूइंग एनीथिंग गुड। यानी कि नई सीरीज कौन ही देख रहा है यार। देखो, मैंने देखी है, आप सबने देखी है, बट कितना पसंद आई आप लोग को? ज़रा भी नहीं। इतनी ज़्यादा पसंद आई नहीं क्योंकि उसमें ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो पसंद की जाए, जो कि एश कैचम में थी। मतलब एश कैचम की क्वालिटीज़ कितनी अमेजिंग थी, सब कुछ इतना अमेजिंग था, तो ये नई सीरीज में हम लोग को नहीं दिखाया जा रहा है। एंड अगर ये अच्छा नहीं करती है, जो कि अच्छा नहीं कर रही है, तो एश कैचम को वापस लाना ही होगा पोकेमोन वालों को। एंड बहुत सारी रीजंस हैं, कन्फर्मेशंस हैं कि एश कैचम वापस आ सकता है, आएगा ही आएगा कुछ रीजंस के चलते, लाइक वो पोकेमोन मास्टर नहीं बनाए एंड इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ही कुछ रीजंस। उसके अलावा मैं आप लोग को एक और बात से खुश कर देता हूँ कि एश कैचम कहीं नहीं गया है। हाँ, कहीं नहीं गया है, मतलब हम लोग का जो मेन एश है वो चला गया है ज़रूर, बट जो आई चूज यू वाला एश है उसका हम लोग को एक अलग टाइमलाइन में दिखाया जा रहा है, क्योंकि उसकी आई चूज यू आई है, पावर ऑफ अस आई है और साथ में सीक्रेट्स ऑफ द जंगल भी आई है। उसके साथ में एक 2-3 एपिसोड की सीरीज भी आई थी जिसमें एश के फादर के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो वो एक अलग एश है जिसके ऊपर एपिसोड, स्पेशल एपिसोड्स और साथ में मूवीज हम लोग को देखने मिलती रहेंगी। तो एश कैचम तो रहने ही वाला है पोकेमोन में। हाँ, हमारा मेन एश का थोड़ा लफड़ा चल रहा है, लेकिन वो भी वापस आ सकता है। बट द कंक्लूजन इज, एश कैचम कहीं नहीं गया है। सो या, दैट्स इट फॉर नाउ गाइस। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव पोकेमोन वीडियोस आप लोगों को हमेशा फ्यूचर में देखने मिलती रहे। एंड यहाँ पे पोकेमोन की बात करते हैं हम लोग, तो 100K करने इस बार, सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर करना इस वीडियो को एंड कमेंट करके बताना आप लोग चाहते हो कि नहीं कि हमारा फेवरेट हीरो एश कैचम वापस आए या नहीं। आई नो कि सब लोग चाहते होंगे, फिर भी कमेंट में बता देना मुझे। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे फिर किसी अमेजिंग वीडियो में। जब तक लेटर पोकेमोन और एनिमे फैन बने रहे। गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।